नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रल पाइप कंपनी के बारे में। इस कंपनी का आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये स्टॉक में अभी फिर से करेक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसमें एक बहुत बढ़िया स्विंग अपॉर्चुनिटी हमें आगे मिलने वाला है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली आप बने रहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा लेवल पे फिर से हम एंट्री लेंगे और कौन सा लेवल तक इसमें बने रहेंगे। लास्ट टाइम हमने ये स्टॉक में एंट्री भी लिया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया था। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हमने 40% प्रॉफिट कमा के, तो यहाँ पे 2500 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था और स्टॉक में अभी फिर से करेक्शन हो चुका है। इसीलिए मैं फ्रेंड्स बताता हूँ, स्विंग ट्रेड हमारे लिए कभी कभी इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आता है जो कि स्विंग ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे, लास्ट एक साल में यहाँ पे 3% का रिटर्न दिया है, लेकिन हमने स्विंग ट्रेड पे एक अच्छा सा गेन लिया है। तो आज भी हम वही स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किया है, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी एक ग्रेट कंपनी है और आज के दिन में अगर हम बात करेंगे, आज के दिन में निफ्टी में भी एक बहुत बड़ा अच्छा सा पॉजिटिव नजर आया, जो कि आज के दिन में निफ्टी एक अच्छा सा कैंडल यहाँ पे बिल्ट हुआ है। और यहाँ पे आज का लो तो बहुत ज्यादा लो बना था, लेकिन आज जो क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग थोड़ा सा अच्छा सा साइन के साथ में क्लोजिंग हुआ। जब हमने देखा तो 1.5% तक का नीचे गया था, लेकिन अभी जो लास्ट में क्लोजिंग देखने को मिला है 73 पॉइंट पे नेगेटिव में क्लोजिंग मिला है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। अगर देखेंगे तो कल के दिन में मुझे लगता है यहाँ पे एक बढ़िया सा तेजी भी आ सकता है निफ्टी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस्ट्रल पाइप में आज के दिन में 2.87% का गिरावट देखने को मिला है। 2201 के पास में आज के दिन में क्लोजिंग देखने को मिला है। आज का अगर हम बात करेंगे, आज के दिन में 43% का डिलीवरी उठाया गया है। 3,91,000 क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, 1,68,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी रिजल्ट का, तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, जो कि सितंबर का रिजल्ट इसी मंथ में हो सकता है आ सकता है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंपनी का एक बार फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। देखिए, कंपनी एक 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि लार्ज कैप स्टॉक है, तो और अपना सेक्टर में भी ये मार्केट लीडर है। अगर हम बात करेंगे पाइप पाइप सेक्टर में, पाइपिंग सेक्टर में 77% का यहाँ पे रेवेन्यू आता है पाइपिंग से। ठीक है, उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो इसी के साथ में बाकी यहाँ पे द कंपनी एक्योर, यहाँ पे कंपनी का 23% का जो रेवेन्यू आता है आधे शिफ्ट से आता है। ठीक है, और उसी के साथ में अगर हम देखेंगे कंपनी भी अपना सेक्टर में एक मार्केट लीडर है, अच्छा प्रेजेंस रखता है। तो वो इसी हिसाब से मुझे लगता है कंपनी में आपको बिल्कुल नजर रखना चाहिए। अच्छा अच्छा कंपनी जब करेक्शन में मिला ना, तभी आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक का पी अभी भी प्रीमियम पे ट्रेडिंग हो रहा है 88 पे, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार है फ्रेंड्स, 29.6 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करेंगे, 22% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में अगर बात करेंगे, 4% का डेट टू इक्विटी रेशियो, इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। और कंपनी का स्टॉक का ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे 2655 है, और यहाँ पे फेस वैल्यू 1 का है। इसी हिसाब से कंपनी का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में अगर बात करेंगे, पूरा स्ट्रांग हैंड्स में होल्डिंग है। 55% का प्रमोटर के पास में हाथ, प्रमोटर के हाथ में है। उसके साथ में यहाँ पे 16% यहाँ पे FI के हाथ में है, और यहाँ पे DI के हाथ में है 13.6 है, जो कि DI यहाँ पे बाइंग करते जा रहा है। उसके साथ में अगर हम रिटेल पब्लिक के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो 14% का स्टेक देखने को मिल रहा है यहाँ पे पब्लिक में, तो उसी के साथ में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है, यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स है, शानदार तरीके से कंपनी का सेल्स ग्रोइंग होते जा रहा है। अभी जून के क्वार्टर में 1,213 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, 96 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, और लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे 511 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। और कंपनी का अगर हम स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे, लास्ट 10 साल में 50% CAGR के हिसाब से एक मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दिया है स्टॉक ने। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, क्योंकि कंपनी एक बहुत बढ़िया तरीके से अपना ग्रोथ को यहाँ पे ग्रोथ के साथ में एक अच्छा सा बिजनेस भी किया है, मार्केट लीडर भी बन चुका है। तो उसी के साथ में अगर हम चार्ट पैटर्न में आते हैं फ्रेंड्स, एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हमने लास्ट टाइम पे इसी लेवल पे बाइंग किया था, तो यहाँ पे एक 40% गेन पे हम लोग निकल चुके थे। लेकिन हमने लोग जब यहाँ पे बाइंग प्रॉफिट बुकिंग किया, उसके बाद में यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप में बहुत सारा मैसेज आया कि मेरा तो लॉस हो गया, मेरा तो लॉस हो गया। क्या लॉस हुआ? देखिए, हम सेल करने के बाद में स्टॉक में एक 6% का तेजी आया, तो उन लोग का वही मैसेज था कि हमें तो 6% का यहाँ पे लॉस हो गया। फ्रेंड्स, देखिए, ऐसा अगर आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। हमने अपना हिसाब से हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और निकल गया। उसके बाद में स्टॉक में कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने अपना प्रॉफिट ले लिया, बस दैट्स एनफ। ठीक है, इसी स्ट्रैटेजी के साथ में आपको चलना है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, मुझे लगता है फिर से एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम RSI के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे RSI का रेंज आ चुका है 46 के पास में। अभी बिल्कुल आपको एंट्री नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ कौन से लेवल पे एंट्री लेना है। RSI का लेवल आ चुका है यहाँ पे 46 में, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बिल्कुल नज़र रखना है, यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज के पास में आपको नज़र रखना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2000 का लेवल बनकर के आ रहा है। 100 डे का मूविंग एवरेज जो है, तो आपको इसी लेवल पे आपको बाई करना है। देखिए मैं आपको कौन सा लेवल बता रहा हूँ, यहाँ पे एक बार जो ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे उसका लो, और यहाँ पे एक बार जो कैंडल यहाँ पे बना है फिर से तेजी देना के दिखाने के बाद में फिर से जब नीचे है यहाँ पे लाके सपोर्ट लिया है, इसी लेवल पे आपको बाइंग करना है जो कि 2000 का लेवल है, ठीक है। आपको बिल्कुल ये 2000 के लेवल पे एंट्री लेना है, अभी बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे 2000 के लेवल पे एंट्री लेना है, और टारगेट क्या लेके चलना है, तो आपको इसी टारगेट के साथ में चलना है जो कि 2653, ठीक है। तो अगर 2653 तक अगर आप इसमें स्टॉक में बने रहते हैं, देखिए आपको कितना परसेंटेज का गेन देखने को मिल सकता है, सीधा सीधा 32% का गेन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स कभी कभी मैं ज़रूर बोलता हूँ कि इसमें कभी कभी मार्केट में टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मार्केट इतना जल्दी पैसे दे देता है जो कि आपकी मतलब ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 32% का गेन है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 32% गेन के लिए हमारा 1 साल का एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कितना दिन में प्रॉफिट मिला, देखिए यहाँ पे जब हमने बात किया तो स्टॉक में यहाँ पे 2500 के लेवल पे हमने जो बुकिंग किया, यहाँ पे 40% तक का जब गेन मिला, यहाँ पे कितना दिन हमें लगा, यहाँ पे एक बार जरूर देख लेते हैं कितना दिन का गेन हमें लगा। तो यहाँ पे स्टॉक में हमें 43 डेज में प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। तो 1.5 महीने में हमें प्रॉफिट देखने को मिला। कभी कभी जरूर ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो मार्केट में ऐसे ही चलता है, हमें कोई कोई एक स्टॉक में हो सकता है 1 साल लग सकता है, और कोई एक स्टॉक में हो सकता है आपको 1-1.5 महीने में हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको हमेशा ऐसा मतलब ये होगा, ऐसा कभी भी आपको ये नहीं रखना है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बताता हूँ, मुझे बहुत बार मैसेज आता है, मुझे कल भी एक मैसेज आया है, कल कम से कम 10 आदमी का मैसेज आया है, हमेशा मुझे 5-10 आदमी का मैसेज ऐसे आता है जो कि सर आप हमें ऐसे बता दो कोई स्टॉक जो कि हमें 1 महीने का 2 महीने का रेंज पर हमें 20% का प्रॉफिट मिले। फ्रेंड्स देखिए अगर ऐसे ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बताऊं, अगर 20% का प्रॉफिट अगर 1 महीने का अंदर मिल जाता है ना, तो फिर सोच लीजिए उससे अमीर कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर 20% गेन ले लेता है 1 मंथ में, अगर गेन मिल जाता है तो आप सोच के चलिए, तो एक साल में उसको 2 टाइम्स उसका कैपिटल ग्रो हो सकता है। तो मतलब 1 लाख का कैपिटल वहाँ पर 3 लाख भी बन सकता है, क्योंकि 20% तो ले रहा है ना, कमा रहा है ना, तो 1 साल का तो 200% बन ही जाएगा। लेकिन ऐसे अक्सर होता नहीं है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के साथ में आपको चलना है। तो आपको जब तक यहाँ पे स्टॉक जब तक यहाँ पे 2000 तक नहीं आता है, तब तक आपको एंट्री लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। इसी लेवल पे एंट्री लेना है, इसी लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। फिर से मैं आपको लेवल लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको जो लेवल लेना है तो यहाँ पे इसी लेवल पे आपको एंट्री लेना है 2003 के पास में, और यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो यहाँ पे 2653 के पास में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, ठीक है। एक चीज़ बताया मैंने, ठीक है। उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर हम 30% की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 30% कोई कम नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा होता है 30%, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ में भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे SIP कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। उससे पहले देखिए यहाँ पे जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्टॉक यहाँ पे लास्ट 1 साल में 3% का रिटर्न भी नहीं दिया है, लेकिन ये कंपनी क्या है, कंपनी बिल्कुल ग्रेट कंपनी है, और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, और ग्रोथ स्टोरी स्टॉक है, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम देखते हैं, तो हमें स्विंग ट्रेड में अच्छा सा प्रॉफिट मिला। अगर आप लास्ट 5 साल का भी इसका डाटा देखेंगे, बहुत अच्छा मल्टीवे अगर रिटर्न दिया है। और जिन लोग को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो इसी लेवल पे एंट्री ले लीजिए और अपना पोर्टफोलियो में रख लीजिए, खलास, बस इसी हिसाब से आप चलते रहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 30% CAGR में हमारा गेन कितना परसेंट बनता है, आपको वो चीज़ में बताना चाहूँगा। फ्रेंड देखिए अगर हम 1 लाख का कैपिटल लेके चलते हैं, ठीक है, हमें कोई ज़्यादा कैपिटल नहीं है, 1 लाख का कैपिटल अगर हम स्टार्ट करते हैं इनिशियली, 1 लाख कैपिटल से हम अपना पोर्टफोलियो को ग्रो करते हैं, और 30% का हम गेन का प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से 10 साल में हमारा 13 टाइम्स पोर्टफोलियो ग्रो हो सकता है, ठीक है। और उसी कंसेप्ट के साथ में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं नेक्स्ट 20 इयर्स में, देखिए 190 टाइम्स ग्रो हो सकता है। तो छोड़िए 190 टाइम्स नहीं होता है, आप बोलेंगे कि नहीं हो सकता है इतना, अगर नहीं भी हो सकता है ना, आप कितना करना चाहेंगे, तो आप खुद यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। 25% का हिसाब से ग्रो करना चाहेंगे तो 93 टाइम्स आपका ग्रो हो रहा है 20 इयर्स में। इतना FD में भी कहाँ मिलता है, इतना म्यूचुअल फंड में भी कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपको चलना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रखना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ में चलना है। और ऐसा नहीं कि आपको मार्केट से लेके रोजी रोटी चलाना है, ऐसा अगर कॉन्सेप्ट रखेंगे तो पोर्टफोलियो कभी भी ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको साइड की तरह लेके चलना है,
जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में पोर्टफोलियो ग्रो कीजिए, बहुत बढ़िया से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे साथ में आप कनेक्ट होके कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और कौन सा लेवल पे लेते हैं, कौन सा लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। उसके साथ में मैं जब बाय करता हूँ कोई भी स्टॉक है, तो आपको अगर स्विंग ट्रेड में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप फ्रीली सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए, आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख के बहुत अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो को भी ग्रो करके चल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी तक वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नया वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत।